हम बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा मत करो, अहिंसा ये धर्म होना चाहिए। तो किसी की हिंसा तो करनी नहीं है, आदमी की नहीं, पशु पक्षी की नहीं, सोच से भी किसी की हिंसा मत करो। सोच किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। क्या होता है कि हम जब बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, निगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई कुछ बोलता है फिर हम कुछ तो भी बोल देते हैं, फिर निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे निगेटिविटी फैल जाती है। एक तो क्या होता है, निगेटिव थॉट्स जब मैं सोचता हूँ निगेटिविटी, तो मेरे दिमाग को वो खराबा करती है, मेरी सोच खराब हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, मेरे बॉडी के ऊपर उसका बुरा असर होता है निगेटिव थॉट्स का। नंबर तीन, मेरे आसपास की जो स्पेस है वो स्पेस वो स्पॉइल कर देती है जब मैं निगेटिव सोचता हूँ, तो वाइब्स वाइब्रेशन स्पेस उसमें खराब होता है। चौथा, वो उसके तरफ जाती है, मेरा बिहेवियर, मेरी स्पेस, मेरा देखना, मेरा चलना बोलना वहां तक आप यहां पहुंच जाता है, और उसके ऊपर भी वो निगेटिव करता है। तो इतना बुरा असर वो निगेटिविटी का होता है। तो फिर क्यों करना है, उसने जो भी किया, उसने जो भी बिहेव किया, उसने जो भी बोला, वो उसका संस्कार था, वो उसकी पर्सनैलिटी थी, कौन सी सिचुएशन माइंड की होंगी वहां से वो गुजर रहा है, तो मैंने उसको माफ कर देना चाहिए, मैंने उसके लेवल पे जाके बदला लूंगा, कुछ बोलूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल माफ मत करो, बदला ले लो, उसने ऐसा किया तुम भी वैसा करो। नहीं, वो लोगों के पास में कभी शेयर करना नहीं है, वही लोगों के पास में शेयर करना है जो आपको एनकरेज करेंगे माफ करने के लिए। तो क्या करना है, डिलीट करना है उसका, सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले के थॉट्स जो अपने दिमाग में घुसे हुए, डिलीट। बोलना क्या, आई हैव फॉरगिव यू, आई हैव फॉरगिव यू, डिलीट कर रहा हूं जो भी है वो। क्या है, जब पति पत्नी में कुछ बातचीत हो जाती है, पत्नी कुछ बोलती है, पति कुछ बोलता है, फिर क्या होता है, फिर बोलना बंद कर देते हैं, फिर एक दूसरे का बोलना बंद करेंगे, निगेटिव एनर्जी पैदा होती है घर में, निगेटिव एनर्जी असर करती है, घर का वातावरण खराब होता है, उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। तो वो बोल समझो, आपकी पत्नी बोल नहीं रही है, अपन ने बोलना चालू करना है, क्योंकि आप बोलना बंद करेंगे, स्टार्ट ओवर कम्युनिकेटिंग। हम क्या करते हैं, कुछ झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, तो हम क्या करते हैं, पहले बोलना बंद कर देते हैं। झगड़ा झंझट हो गया तो पहले बोलना चालू करो, पहले नॉर्मलाइज करो वातावरण घर का, घर का नॉर्मलाइज करेंगे वातावरण तो शांति आ जाएगी। हम बोलना बंद कर देते तो फिर क्या होता है, अंदर बोलना बंद कर देते, नहीं उल्टा अंदर निगेटिविटी चालू रहती है, इतने विचार चालू रहते, जब बाहर बोलते नहीं तो अंदर और स्पीड से विचार आते हैं। बोलना बंद होता है, बिल्कुल नहीं होता है, अंदर ही विचार आते कि उसने वो बोलती नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, वो सॉरी बोलती नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, मतलब चालू है अंदर, मेरी इज्जत का सवाल है, उसने झुकना चाहिए, मैं क्यों झुकूं। तो ये क्यों करना है, सब बच्चों के ऊपर बुरा असर होगा, वातावरण के बुरा असर होगा, अपने ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने मन के ऊपर। तो क्या करना है, दिमाग में जो बोलना चालू है वो बाहर बोलने का है, बोलना चालू करो। दो कदम पीछे आ गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सी इज्जत जा रही है घर में। तो बोलना चालू करना है, ओवर कम्युनिकेट करना है, अपसेट बन के नहीं रहने का है। तो इसमें क्या करना है, मन को शांत करना है, रिलैक्स करना है, सेल्फ हिप्नोसिस करना है, बोलना है कि भाई जो भी उसने किया वो उसने किया, वो नीचे गिर गई है, या हस्बैंड के बारे में समझो आपको बात करना है औरत को, तो वो नीचे गिरा हुआ है, वो निगेटिव फैला रहा है, तो मैं निगेटिव फैलाऊंगी नहीं, या मैं निगेटिव फैलाऊंगा नहीं, ये निगेटिविटी का असर बच्चों के ऊपर होगा नहीं, इसकी केयर मुझे लेना है। बोलना चालू करना है, बोलना बंद नहीं करने का है, ओवर कम्युनिकेट करने का है। इसलिए मैं हरदम बोलता हूं ए बी सी करो, ए बी सी मतलब ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन, विथहोल्ड नहीं करना है कम्युनिकेशन, पकड़ के नहीं रखना है, जो भी है वो बोलना चालू करना है। आप बोलना चालू करेंगे, आप सॉरी बोलेंगे तो सामने वाला सॉरी बोलेगा नहीं बोलेगा वो उसके पास है। मेरी एनर्जी, मैंने निगेटिविटी मेरे दिमाग में फैलाने की नहीं है, वातावरण में फैलाने की नहीं है, बच्चों के ऊपर फैलाने की नहीं है, और कहीं भी फैलाने की नहीं है,
मुझे तुरंत अच्छा होने का है, तुरंत पॉजिटिव एनर्जी मेरे में लाने की है। ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्लैशेस कम हो जाएंगे, कम्युनिकेशन चालू रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, पॉजिटिविटी आएंगी। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।